प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सरदारपुर जनपद के ग्राम रिगनोद में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रत्येक आवेदक का आवेदन पंजीकरण स्टॉल में प्राप्त करने के साथ आवेदन को आपकी सरकार आपके द्वार सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर धार से सीधे ग्राम कजरोटा पहुंचे, पूरे गांव का भ्रमण किया, शासकीय स्कूल के सामने ग्रामीणों की समस्या सुनी। वहीं उकरालाल डावर सहायक अध्यापक की खुदही ग्राम की समस्या लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने समस्या तो सुनी, पता चला कि शासकीय कर्मचारी है, जिसके बाद उसे बुलाकर पूछा कि आप क्या करते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं टीचर हूँ। तो कलेक्टर ने पूछा कि आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं। टीचर का कहना था कि मेरा वेतन 4 माह से नहीं मिला। तो इस पर कलेक्टर ने तुरंत बर्खास्त करने के आदेश दिए। बाद में रिगनोद की छात्रावास में वृक्षारोपण भी किया गया। यहाँ पे गया है, जिसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कंसेंट से हमने यहाँ पे खरीदी बिक्री शुरू करने के लिए यहाँ से उसको पूरा प्रतिवेदन हमने भोपाल भेजा है। उसमें भी आगे जैसे माननीय विधायक महोदय ने कहा था कि खरमोर की समस्या यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है और इसका निदान वो चाहते हैं, इसको गंभीरता से हम लेके इसको क्या इसकी समाधान निकल सकता है ताकि कोई दिक्कत ना आए, उसका पूरा हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसे ही आने वाले समय में भी और भी, क्योंकि आपके द्वार के नाम पर जिला प्रशासन के जिले के सारे अधिकारी आज इस रिगनोद क्षेत्र में साथियों सरदारपुर तहसील में मैं ये विकास अगर करना है धरती पर वो सच्चे अमल अगर इस विकास को उतारना है तो मैं माननीय जिला प्रशासन और पूरा जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ में जनता ने आपसे आपको मांग समस्याएं बताई है, जनता ने आपको जो समस्याओं को अवगत कराया है, आशा है उनकी समस्याएं हल होगी। और निश्चित तौर पर अगर उसकी समस्या हल नहीं हुई है तो आपके पत्र के माध्यम से उसका हल नहीं होने का कारण भी आप दर्शाएंगे, ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम रखा गया और जिस प्रकार से आप जिला प्रशासन की पूरे अधिकारियों की टीम एक गाड़ी में बैठ करके आई और हमारे कंजोटा गांव में रुकी, रिगनोद गांव में भी आपने जनता की समस्या को सुना, तो निश्चित तौर पर जो पिछली सरकार है 15 साल में कहती थी कि हमने तेज गति से विकास किया है और लेकिन आज प्रदेश का देश के 29 राज्यों में गरीबी में 27वें नंबर पे है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते हैं और जो विकास की योजनाएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, जो धरातल पे जो हकीकत पे है उसके विकास को जमीन पर उतारना चाहते हैं, इसलिए आज आपकी सरकार आपके द्वार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिले का यह प्रथम कार्यक्रम है। लोग परेशानी क्या कह रहे हैं? अभी आपको जिला प्रशासन सम्मानित कलेक्टर साहब ने बताया कि एक प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार को पहले भी भेज चुके हैं और दोबारा भेजने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आपके सामने स्पष्ट, मैंने जिला प्रशासन को यही बोला कि 14 गांव के रजिस्ट्रियों का बहुत बड़ा दर्द है, आप उस यहाँ के किसानों को दर्द को समझे और उनके दर्द को दूर करें। विधायक जी, एक लड़की आई थी जो दिव्यांग थी, जिसको आंखों से दिखता नहीं, वो 20 साल से भटक रही है पेंशन के लिए, क्या कहेंगे उस बारे में? वो आपसे भी मिली है, क्या उसका पेंशन आज से शुरू हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल, उसका जो आवेदन ले लिया गया है और आपको हमारे जिलाधीश महोदय ने किया जो निराकरण आज होने जैसे होंगे उनका निराकरण आज ही कर दिया जाएगा और जो शेष बचे जो प्रकरण है उनके कैसे कार्रवाई होती, उनका निराकरण कैसे होता, उसकी सूचना भी दी जाएगी। मेरे को देखिए, एक मिनट। हाँ, बस इधर घूम जाओ बस।
सर, ये आपकी सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है इसमें कितने प्रकरण आए हैं और आज ही कितने निपटे हैं और कितने पेंडिंग? इसमें काफ़ी, वो आंकड़ा मैंने अभी मंच से बता दिया था, इसमें काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया गया, लगभग 250 लोगों को पेंशन ही किया गया, अनुग्रह सहायता लगभग 150 लोगों को किया गया है, और भी सभी विभागों में जो भी यहाँ पे शिविर के माध्यम से पंजीयन होकर आए हैं उसके अधिकांश मामले में आज निराकरण कर दिया गया है, और थोड़े मामले जिसमें थोड़ा समय लगता है उसका एक निश्चित समाज में निराकरण करने के निर्देश दिए गए, जो हमारे मॉनिटरिंग में रहेगा, ये पूरे ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से ये पूरा लिस्ट निकलेगा और सभी विभाग इसका मॉनिटरिंग करेंगे और उसका रिपोर्ट आएंगे, और हम लोग भी टीएन के माध्यम से इसकी स्थिति को जायजा लेंगे कि इस यहाँ पे ये शिविर आयोजन हुआ उसका प्रकरणता क्या हुआ। सर, यहाँ पे थर्मों की समस्या बताई जा रही है, थर्मों का काफ़ी पुराना समस्या है, यहाँ पे थर्मो अभ्यारण का इंटेंशन शुरू हुआ था एक्ट में, फॉरेस्ट एक्ट में, और उसके बाद थर्मो सेंचुरी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसी प्रोसेस में है। रिसेंटली मुझे बताया गया कि तत्कालीन कलेक्टर ने और DFO ने मिलकर एक रिपोर्ट भेजा है शासन को, और यहाँ से जो कार्रवाई होना है वो हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे खरीदी बिक्री पे रोक लगने के कारण 14 गाँव में जो समस्या है उससे अवगत करा दिया है, स्तर पर वो नंबर। सर, एक कंजरोटा में जो टीचर था उसको बर्खास्त के आदेश दिए क्या है? नहीं, कंजरोटा में जो टीचर था वो गंगवानी के रहने वाले, गंगवानी में जो है पढ़ाना चाहिए था उसको, टीचर वहाँ का है वो गया नहीं था, वो पहले भी सस्पेंडेड रहा, काफ़ी गैर जिम्मेदारी से किया था, उसके कारण से हमने सस्पेंड किया और आगे और भी कठोर कार्रवाई किया। आपका नाम? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।